हेलो बच्चों, मैं रविंद्र नागर आपका अपने YouTube चैनल भविष्य एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूँ। और यहाँ आपको यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की सभी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी। आज की क्लास में मैं आपको यूपी बोर्ड 9th क्लास की हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम काव्य खंड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पढ़ेंगे। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के महान संत और कवि थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट। साखी को हम दो भागों में पढ़ेंगे, इसकी मैं दो वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो जो होगी वो साखी की दोहा 1 से लेकर 5 तक होगी और दूसरी होगी 6 से लेकर 15 तक। अच्छा, कुछ बच्चों की जो पुस्तक है हिंदी की उसमें साखी में 13 दोहे हैं और कुछ बच्चों की बुक में 15 दोहे हैं, तो मैं 15 दोहे ही कराऊंगा। चलिए, पहला हमारा जो पहला चैप्टर है कबीरदास का, उसे देख लेते हैं। कबीरदास द्वारा रचित साखी, क्या है पहला जो दोहा है हमारा। सतगुरु हमसु रीझी करी एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। तो बच्चों, हम क्या करेंगे इसमें, इसमें तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, चार चीज़ें। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, उसके बाद में व्याख्या और अंत में काव्यगत सौंदर्य पूछा जाएगा, जिसमें 5 पॉइंट होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा दोहा दिया हुआ है इसके जो कठिन वर्ड हैं शब्दार्थ, पहले उनका अर्थ बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद में मौखिक रूप से इसकी व्याख्या बताऊंगा, उसके बाद में आपको लिखित में मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कॉपी में नहीं लिख पाएंगे व्याख्या को जो मैं बोलूँगा, इसलिए उनको लिखित में मैं दे दूँगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज का। हमारा पहला चैप्टर है सतगुरु हमसु रीझी करी। देखिए बच्चों, ये हमारा कठिन वर्ड जो है, सबसे पहले हम लोग कठिन वर्ड देख लेते हैं। सतगुरु हमसु रीझी करी, रीझी करी का मतलब होता है मुग्ध होकर या प्रसन्न होकर। कहा का मतलब होता है कहा, और प्रसंग का मतलब आप जानते हैं, प्रसंग का मतलब होता है प्रसंग या उपदेश। बरसिया मतलब बरसना, बादल प्रेम का भीजी गया। अब देखिए, भीजी गया ये जो शब्द है, भीजी गया इसका मतलब होता है भीग गया, भीग गया। अब मैं आपको लिखित में देता हूँ। देखिए, रीझी करी का मतलब होता है मुग्ध या प्रसन्न होना। कहा प्रसंग उपदेश, बरसिया यानी कि बरसना, और भीजी का मतलब होता है भीग गया, भीग गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या किस प्रकार है देखते हैं। देखिए, सद्गुरु हमसु रीझी करी एक कहा प्रसंग। सद्गुरु हमसु रीझी करी, इसका मतलब सद्गुरु ने, जो हमारे गुरु हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने प्रसन्न होकर या मुग्ध होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया, प्रसंग उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म हुआ। बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया या सिक्त हो गया। अर्थात गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेमय हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु का अत्यधिक महत्व है। ये हमारा व्याख्या हो गई। अब मैं संदर्भ देखता हूँ। संदर्भ जो पहले वाले दोहे का होगा, वही सब दोहों का वही संदर्भ होगा, केवल प्रसंग चेंज होगा। अब देखते हैं, मैं संदर्भ कराता हूँ आपको। देखिए, संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत साखी महान संत और कवि कबीरदास की
कहाँ से लिया गया, साखियों से उद्गत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में कबीर ग्रंथावली से साखी शीर्ष के अंतर्गत संकलित है। ये संदर्भ हुआ। प्रसंग में देखिए, प्रसंग का मतलब है कि कवि क्या कहना चाहता है। इस साखी में कबीरदास ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण भाव प्रकट किया है, साथ ही उन्होंने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की है। संदर्भ हुआ, प्रसंग हुआ, अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म हुआ और भक्ति के इस बादल से प्रेम की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। अर्थात गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है। जब भक्ति मनुष्य के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है तो क्या होता है बेटा, संतोष, अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेम हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु का अत्यधिक महत्व है। अब हम लास्ट जो बिंदु है यानी कि काव्यगत सौंदर्य उसकी तरफ देखते हैं। उसमें 5 पॉइंट होते हैं। कवि ने क्या कहा है, कवि की भाषा कौन सी है, दोहे में रस कौन सा है, दोहे में छंद कौन सा है और अलंकार कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं काव्यगत सौंदर्य की तरफ। काव्यगत जो सौंदर्य है हमारा, पहला पॉइंट क्या कहता है, कवि ने ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता अत्यंत सुंदर और उपयुक्त अभिव्यक्ति दी है। भाषा कौन सी है, भाषा है सधुकड़ी। रस कौन सा है, शांत। छंद कौन सा है, दोहा। अलंकार कौन सा है, रूपक, रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। कबीरदास जी द्वारा रचित साखी में कवि की जो भाषा है कबीरदास जी की, वो सभी दोहों में सधुकड़ी होगी। ठीक है बच्चों, रस शांत होगा, छंद कौन सा होगा, छंद दोहा होगा। साखी में जितने भी दोहे हैं उनमें छंद दोहा ही होगा। क्या चेंज होगा, एक तो पहला वाला पॉइंट मतलब देखिए मैं इसे रब करके दोबारा बताता हूँ जिससे समझ में आसानी से आ जाए। क्या क्या चेंज होगा बेटा, चेंज होगा नंबर 1 कवि ने क्या कहा है और अलंकार। ये जो 3 चीज़ें हैं, भाषा रस छंद, ये तीनों के तीनों हर दोहे में ये सेम रहेंगी, इसलिए इनको आप याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माही। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ यानी कि जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। जैसे राम नाम के पट तरे, पट तरे का अर्थ होता है समान या तुलना। देवे को मतलब देने के लिए, कछु का मतलब होता है कुछ और नाही का मतलब होता है नहीं। संतोषिया का मतलब जानते हो आपकी संतोष। हौस देखिए, ये जो हौस शब्द है ये होता है इच्छा या अभिलाषा। देखिए मैं लिखित में देता हूँ इन सबको। पट तरे समान, देवे का मतलब होता है देने के लिए, को का मतलब को, कछु का मतलब कुछ, नाही नहीं, और संतोषिया का मतलब संतोष मिल सके, हौस का मतलब होता है अभिलाषा या इच्छा। ठीक है, अब हम लोग इसका जो व्याख्या है अर्थ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माही। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है या मंत्र दिया है उसकी समानता या तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसके बदले में मैं गुरु को
दक्षिणा के रूप में क्या दूँ, अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तो निरंतर यानी कि लगातार यही अभिलाषा, अभिलाषा या हौस बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूँ जिससे मुझे क्या मिले, संतोष मिल सके। आशय यह है इसका कि कबीर को अपने गुरु के से राम नाम का गुरु मंत्र मिला, किंतु उनके मन में यह असंतोष बना हुआ है कि अपने गुरु को देने के लिए उनके पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या संदर्भ, प्रसंग और फिर व्याख्या। संदर्भ पहले की भांति जो पहले वाले दोहे में हमने संदर्भ दिया था वही संदर्भ हर किसी में रहेगा। प्रसंग में क्या कहता है, कवि ने गुरु की महत्ता, महानता और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने गुरु की महानता और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में देखिए क्या है, व्याख्या देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश मुझे दिया है उनकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसके बदले मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या दूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे मन में लगातार यही अभिलाषा या इच्छा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूँ जिससे मुझे या मेरे मन को संतुष्टि मिले या संतोष मिल सके। तो बच्चों अब हम चलते हैं काव्यगत सौंदर्य की तरफ। काव्यगत सौंदर्य में मैंने शुरू में बताया था कि इसमें 5 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु क्या कहता है, पहला बिंदु कहता है कबीर दास जी ने यहाँ अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान दान का मूल्य बताते हुए शिष्य कुछ भी देकर गुरु के इस दान का मूल्य नहीं चुका सकते। अब मैंने बताया था 3 चीज़ें कौन कौन सी, भाषा सधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया कि इसमें हमको क्या करना है बेटा, क्या करना है, 3 चीज़ें जो हमारी महत्वपूर्ण हैं, भाषा रस और छंद। ये 3 चीज़ सेम होंगी। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पहले वाले दोहे में भी ये तीनों चीज़ ही क्या हैं, ये तीनों चीज़ बिल्कुल सेम है। यानी कि भाषा कैसी, कबीरदास जी की सधुकड़ी, रस कौन सा है, शांत, और दोहा कौन सा है, दोहा है हमारा छंद, सॉरी छंद है दोहा। अब हमारा सेकंड वाला जो पोर्शन है ये भी यानी कि दोहा समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारा तीसरे दोहे की तरफ। तीसरे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिए, ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब सबसे पहले हम इसके जो कठिन वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, जिनी का मतलब होता है नहीं। जिनी का मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं। बिसरी, विस्मृत यानी कि भूल जाना, बिसरी मतलब विस्मृत या भूलना, और मिलिया मतलब मिले, गुरु कैसे मिले। ठीक है बच्चों, अब हम लोग व्याख्या देखते हैं जो मौखिक रूप से बताता हूँ मैं आपको किस तरह से है। देखिए, ज्ञान प्रकाश या गुर मिलिया सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया, यानी कि सच्चे गुरु के मिलने पर चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश
फैल गया। मेरी इच्छा है या अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वह मेरे मन से या हृदय से कभी ओझल ना हो, विस्मृत ना हो, अर्थात मैं कभी उन्हें भूल ना जाऊँ। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ, यानी कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, अर्थात जब गोविंद की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तब मुझे सच्चे गुरु मिले। समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की तरफ। संदर्भ पहले की भांति रहेगा। प्रसंग में क्या कहते हैं, कबीर का मत है कि गुरु के मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या। कबीरदास जी लिखित में व्याख्या कैसे हैं, देखो व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या में कबीर कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मेरी इच्छा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से ओझल न हो जाएं। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है काव्यगत सौंदर्य, उसको और देख लेते हैं बच्चों। काव्यगत सौंदर्य में कबीर कहते हैं कि गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया, गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया, परंतु सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब ईश्वर की कृपा हुई। तीन बिंदु वही पहले वाले, भाषा कैसी, सधुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार कौन सा है, अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरा जो दोहा है ये समाप्त हुआ। अब हम आगे वाला जो हमारा दोहा है चौथा, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, माया दीपक नर पतंग भिरमी भिरमी इवे पुरंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। माया दीपक नर पतंग भिरमी भिरमी इवे पुरंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे माया दीपक नर पतंग, पतंग का मतलब होता है पतंगा, पतंग का मतलब क्या होता है पतंगा, और भिरमी भिरमी का मतलब होता है क्या होता है बेटा, भिरमित होना, यानी कि इधर उधर भटकना है भिरमित होकर। इवे का मतलब होता है इसमें, इवे का मतलब होता है इसमें। ते का मतलब होता है से। अब हम आगे देखते हैं थे का मतलब से। उपरंत का मतलब होता है मुक्त होकर। अब पहले हम लोग लिखित में इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कठिन शब्दों को। पतंग का अर्थ होता है पतंगा, भिरमी भिरमी भ्रमित होकर, क्या होकर, भ्रमित होकर। इवे इसमें, ये ते की जगह थे है, थे। थे थे का मतलब होता है से, और उबरंत का मतलब होता है, उबरंत का अर्थ है मुक्त हो जाते हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या दिया हुआ है, माया दीपक नर पतंग भिरमी भिरमी इवे पुरंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने जो मनुष्य है, यानी कि नर जो है, नर यहाँ मनुष्य को दर्शाया गया है, मनुष्य पतंगे के समान है। किसके समान है, जो आग से निकली हुई एक चिंगारी होती है पतंगा, उसके समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, यानी कि भ्रमित होकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में उसी में गिरकर नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, यानी कि उबरंत बच सकता है। किंतु कोई विरला, मतलब होता है
कोई बहुत कम व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच पाते हैं। क्या होते हैं? बच पाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। देखिए अब आगे, संदर्भ पहले की भांति ही, प्रसंग में क्या है, इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। क्या कर सकता है? माया रूपी आग से बच सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ और देखिए बच्चों, आप लोग जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने अब तक जो आपने चार दोहे पढ़े उनमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है और ईश्वर का, ठीक है। अब हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में क्या कहते हैं? व्याख्या में कहते हैं, कबीर कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, किसकी तरफ दौड़ता है? दीपक की तरफ दौड़ता है, और भ्रमित होकर उसमें गिरकर जल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अभी माया के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है और अंत में उसी में गिरकर नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया रूपी माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई विरला व्यक्ति ही होगा, यानी कि कहते हैं जैसे लाखों में एक व्यक्ति ही होगा जो इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी आग से बच सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला पॉइंट है, गुरु द्वारा प्रदत्त यानी कि गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान से सांसारिक माया से मुक्ति मिलने और उस ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को कुछ व्यक्तियों द्वारा ही समझने के भाव को भाव की सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति की है। अर्थात कि इस चीज इस बात को संसार में कुछ ही लोग समझ सकते हैं और इस माया रूपी आग से बच सकते हैं। भाषा कैसी है? सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग दोहा पांच की तरफ चलते हैं, पांचवें दोहे की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ने समाही। दोबारा देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ने समाही। देखिए बच्चों, यहाँ मैं का शब्द जो है, यहाँ मैं का शब्द क्या है, जो व्यक्ति के अंदर मैं यानी कि अहंकार है, अहंकार से लिया गया है। इसके शब्दार्थ देख लीजिए, पहले मैं का मतलब है अहंकार, साकरी होती है कम चौड़ी यानी कि संकुचित छोटी गली जो होती है, तामे का मतलब होता है इसमें, ने नहीं, समही मतलब समाहित होना यानी कि समाहित नहीं हो सकती, नहीं आ सकती। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के बाद में वही अपनी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो नहीं समाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार व्याप्त था, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मैं ईश्वर रूपी गुरु से स्वयं को अलग मानता था, लेकिन ज्ञान होने पर मुझे सब ओर ईश्वरीय सत्ता ही दिखाई देने लगी या दिखाई दे रही है। प्रेम की गली अत्यधिक संकुचित है, यानी कि प्रेम गली अति साकरी, यानी कि जो प्रेम की गली है वो बहुत ही संकुचित है, बहुत ही छोटी है। तामे दो ने समाही, इसमें दोनों दोनों किस कौन किस किस की बात की है, इसमें दोनों का मतलब व्यक्ति के अंदर के अहंकार की और ईश्वर की एक साथ नहीं रह सकते। कबीर का आशय यह है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को क्या करना होगा, नष्ट करना होगा। समझ में आया बच्चों?
अब हम आगे चलते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ क्या कहता है? पहले की भांति, जो पहले वाले में कराया था वही। प्रसंग में क्या कहता है? प्रसंग कहता है संत कबीर ने गुरु और भगवान की एकता का प्रतिपादन करते हुए समस्त प्राणियों को अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। क्या कहा है? संत कबीर ने गुरु और भगवान की जो एकता का प्रतिपादन करते हुए जितने भी संसार में जितने भी प्राणियां हैं उनको अहंकार से मुक्त रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अपने अंदर के अहंकार को मार दीजिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब हम लोगों क्या व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में कबीरदास जी ने क्या कहा है। कबीर कहते हैं, जब मुझ में अहंकार व्याप्त था तब मैं ईश्वर रूपी गुरु को स्वयं से अलग मानता था, लेकिन ज्ञान होने पर मुझे सब ओर कौन दिखाई देने लगे? ईश्वरीय सत्ता ही नजर आने लगी। उसके बाद में कहते हैं सेकंड लाइन में, प्रेम की गली अत्यधिक संकुचित, अर्थात बहुत ही छोटी है, इसमें दोनों अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात कबीर का से यह है कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को मारना होगा, अर्थात समाप्त करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो क्या है बेटा, काव्यगत सौंदर्य है। काव्यगत सौंदर्य में गुरु और ईश्वर की महत्ता को बताया है। भाषा कैसी है? सदुकड़ी। रस शांत। दोहा है, छंद है दोहा। अलंकार अनुप्रास अलंकार और उल्लेख अलंकार है। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार और उल्लेख अलंकार। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगला पाठ जो है हम दोहा 6 से लेकर 15 तक हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों।